किसके जूते हैं ये, किसके जूते हैं, किसने मंगवा के दिए थे? ये जी आलम की टिपा, डेजर्ट टिपा। इसके गंदे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, वेलकम टू मेरा द व्लॉग। तो अभी दाढ़ी शाड़ी मेरी जो है वो काफ़ी ख़राब हुई पड़ी थी, वो मैंने शेव वगैरह करवानी थी, लेकिन उससे पहले मैंने पार्सल को मंगवाए थे इंटीरियर वालों से, कुछ ऑर्डर किया था, भाई के शूज़ थे और अपना एक ट्राउज़र और एक स्वेटशर्ट ऑर्डर की थी, तो वो दोनों उन्होंने अलग अलग भेज दिए। इससे पहले कि मैं बार्बर के पास जाता, उनका फ़ोन आ गया कि आके अपना पार्सल जो है रिसीव कर लें, तो पहले वो पार्सल लेके आते हैं, फिर नेक्स्ट अपनी जो दाढ़ी शाड़ी है वो सही करवाते हैं। इसकी जनाब साहब बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है, ऊपर से केक लगानी पड़ती है जो कि बहुत मुश्किल काम है, और मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग के लिए मुझे ऑटोमेटिक बाइक लेनी पड़ेगी जिसके गियर ना मुझे लगाने पड़े एक हाथ से पकड़ के। तो लास्ट टाइम जो थी मैंने बीएड वो घर पे से ही की थी, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आई ना मुझे पसंद आई, तो इस बार वो मुझे कह रहे थे कि खुद बार बार ना बनो, तो जाओ बार्बर के पास सही तरह करवा के आओ, बीएड सेट करवा के हमने जाना फोटा पास, वहाँ पर कुछ काम है, इस जनाब साहब की बैटरी भी चेंज करवानी है, बैटरी चेंज करवा के तो फिर देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या है सर, ठीक हो? और फिर ये रो पार्सल देखे हो ग्राम उस्मान उसके नाम, तो सुबह कितना सी फोन में भाई ने कहते ले आके निकले पार्सल, तो फिर आ रही हूँ लेट आया कल। हाँ हाँ तो अभी हमारे साथ हो गया धोखा, वो एक पार्सल जो है जिसमें मेरे कपड़े थे वो आ गया, और भाई वाला पार्सल जो मैंने पता किया वो कह रहे हैं कि शाम को मैंने जाएगा, लेकिन शाम को मैंने ऑफिस बंद करके चले जाना, तो वो सुबह मिले कब पार्सल। इसमें क्या आया करते हैं भाई, इसकी ना आज बैटरी डलवाते हैं, ये बहुत ही ना मेरे से ठीक नहीं लगती, इसकी मुझे चोट भी लगी हुई टांग पे, और ये जो है पार्सल वो रो रहा है पहले जाते, तो ये कह रहा था पापा के साथ मैंने जाना है, और पापा ने कहीं काम जाना था, इसको चुप करवाया अभी, आ जाओ ये खोलें, खोला नहीं है ये, खोला है पापा, पापा आते हैं इधर आ जाओ, इसको खोलते हैं, आपका जूता कल मिलेगा, कल मिलेगा। ये जी मैंने ट्राउजर ऑनलाइन ऑर्डर किया था एंड्यूर से, और साथ इसकी ये स्वेट शर्ट थी, मुझे लगता है दोनों मैच हो गए, ट्रैक सूट था नहीं पर पानी किया है, इसे भी खोलो, इसे भी खोलो, देखते पूरा ही होगा, शायद नहा के पहनूँ ये शायद ना पहनूँ, और ये देखते हैं कि इसमें क्या निकला, खोलो इसे फाड़ते हैं, ऐसे नहीं इधर से खोलो, इधर से खोल जाना, ये खोल जाना, मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि इसमें थी ना एक, इसमें मुझे पॉकेट लगी जो थी ना इसकी पसंद आई थी, ये वाली स्वेटशर्ट है लेकिन हुडी टाइप कह लें बगैर हुडी के, क्योंकि इसकी ये पॉकेट है, और यहाँ पे भी आई थिंक सो, जी हाँ इसी पॉकेट की वजह से मैंने मंगवाया इसे, क्योंकि इसमें बंदा चीज़ें वगैरह कैरी कर लेता है, वैसे स्वेटशर्ट में तो कुछ होता ही नहीं पॉकेट वगैरह। तो अभी पापा आते हैं तो बाइक लेते हैं, बाइक लेके चलते हैं बीएड सही करवाने, बीएड सही करवा के फिर जनाब साहब अपने जाना फोटा पास, ये कपड़े मेरा नहीं ख्याल के पहने जाएंगे इतनी गर्मी में, क्योंकि मेरे यहाँ पे चोट लगी है, तो हम शलवार कमीज ही जो है वो पहनेंगे। तो इसने आते ही जनाब साहब ये पहन लिए, और इसने उतारे ही नहीं है, कहता सारे जूते पुराने फेंक दो, मैंने पहनना ही नहीं है, मैंने सिर्फ यही पहनना है। ये किसके जूते हैं, ये किसके जूते हैं, किसने मंगवा के दिए थे भाई ने, आए हाय कह दो भाई को, कैसे ये कह रहा है कि ऐसे करके वीडियो बनाओ, चलो भाई के पारी का दो,
नहीं ऐसे नहीं, मीठी वाली आ कर दो, नहीं चलो आ जाओ आज से। ये कह रहा है अभी फोन मैंने पकड़ना है लेकिन इसे पकड़ाना नहीं है हमने। अभी चलते हैं, मामा भाई ने बताया कि ये इसको अभी शायद सेल्फ लग जाए क्योंकि चल के आया, वही हुआ जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। थोड़ा सा चला लेना इसे, रेस शेस दे के ले आए तो ये चल जाता है। अभी बाइक बाहर निकाल दें, पीछे हो जाए बाइक को ना पकड़ना। अब इसको हमें रोता हुआ छोड़ के जाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। आप दरवाज़ा बंद करो। बड़ी मुश्किलों के बाद उसे मैंने अंदर बंद किया, मैंने कहा मैं आता हूँ। अच्छा बच्चा मान तो जाता है लेकिन थोड़ा सा ना उसको करवाना पड़ता है। तो अभी चलते हैं बार्बर के पास, वहाँ से करवाते हैं दाढ़ी शाढ़ी सही। पप्पू बच्चे बांध के आते हैं, पप्पू बच्चे बांध के फिर चलते हैं बड़ा पास। यार वो भाई पहले खास करवा रहे थे वहाँ पे, कटिंग करवा रहे थे, मैंने उससे कहा कि वेट कर लें, मैंने करवाना है वेट करवा के जाना बड़ा पास। भाई ने कहा यार वेट कर लें थोड़ा ज़्यादा। वो यार स्टार्ट ही मैंने 2 घंटे हो गए कि वेट कर लेंगे तो। यार 15 मिनट लगने मस्त का यकीन मान यार, मैं बुढ़ा पास ना जाना था, मैं शाम तक इसको बैठा रहना कुछ 15 मिनट की गल। भाई बहुत अच्छे ने भाई मान जान के भाई ने कोऑपरेट किया था लेकिन बाद चो सदाम भाई ने जड़ी है ना वो आ जानी है। ये सब तो अच्छे बार्बर ने शहर खोजी शुरू। अभी बियर्ड शेड सही करवाते हैं उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो अभी बियर्ड शेड हमने सही करवा ली है। बहुत मुश्किल का ब्लॉग बनाना, पब्लिक ऐसे घूर रही होती है पता नहीं आप लोगों ने हमसे पैसे लिए हैं और वो आप दे नहीं रहे वापस, ये हिसाब होता है जिसने हाथ में कैमरा पकड़ा होता है। तो अभी कपड़े शपड़े पहन लिए, तैयार शर हो लिया है, अब चलते हैं। पहले बहुत लेट हो गई है, 12 बजे से प्लस टाइम हो गया मेरा ख्याल। तो अब उसको मैंने कॉल कर दी, मैंने कहा तैयार हो जाए, मैं 5 मिनट में तेरे पास आया, तो उसको पिक करते हैं, पिक करके चलते हैं बूढ़ा पास। ये कुछ कपड़े हैं यहाँ पे, ये सिलाई करवाए थे लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला है, वो ठीक करवाना है। और बाइक की बैटरी जो है वो डेड है। वो नसीब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी शॉप है तो वहाँ से डलवाते हैं बैटरी इसकी। तो चले चलते हैं। और शादियाँ बहुत ज़्यादा गंदे है यहाँ पे, बारिश हुई उसकी वजह से पानी खड़ा हुआ है, सफाई का जो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। जरा भी बच्चे गाड़ी देख के पीछे होना चाहिए, उल्टा आगे से भाग पड़ते हैं कि हम भाई नीचे हमें नीचे दे तो पकड़ लेंगे। ये मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से तंग है। तो मैं था और मेरा दोस्त था, दोनों दो ही गाड़ियाँ लेके गए थे। हम गाड़ी धुलवा रहे हैं और साथ ही जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई है, आधी गाड़ी बारिश में धुली है आधी फिर दोबारा हमने धोई है। हमारे साथ हर बार ऐसा ही होता है, मैंने बाइक धुलवाई है बाद में बारिश होगी, कभी पहले हो जाती है कभी बाद में हो जाती है। ब्लॉगर आ गया भैया, फिर सेलिब्रिटी से मिलने हैं, ये सेलिब्रिटी से मिलेगा अब ये मेरे साथ जाएगा ये कल को मैं जब बड़ा यूट्यूबर बन गया ये यही वीडियो उठा के लगाया करेगा। सबसे ज्यादा लाइक और व्यू मेरे ही चैनल पंजाबी बोलना नहीं आती थी आई हैव अ मेन यार, ये जानबूझ के ना कोशिश कर रहे हैं ऐसे उर्दू शुर्दू को नहीं आती तो पंजाबी से गल कर ला, इसने मुझे बड़ा प्रमोट किया यार तेरा ब्लॉग खराब है। ये जी आलम की टिपा डेजर्ट टिपा नहीं डेजर्ट टिपे नो डेजर्ट कहते हैं, आलम की जो नाम है रोई रोई कह लो एक किस्म जिसकी, वैसे ये बिल्कुल संसार बिल्कुल ज़्यादा सारी संसार वो उधर वो जो है उधर आर्मी की बेस है बहुत पुरानी है, वहाँ पे बंदूकें से पड़ी होती हैं तो यहाँ पे करते हैं ज़्यादा। अब ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं करते,
आगे चलते हैं, आगे भी हमने जाना है। ये भाईजान परेशान हो रहे हैं हमें साथ लेके। थोड़ा बस हम पहुँच चुके हैं और अब जाना है पहले डीलर के पास, उसको कपड़े देने हैं, उसने जो काम खराब किया है। उसके बाद चलते हैं चलते रिसीव के पास, वहाँ से हमने बैटरी चेंज करवानी है, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर घर चलेंगे। ये रोड के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तकरीबन टूटा हुआ सारा रोड पूरा निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं फिर चौधरी सीप के साथ बैटरी शैटरी चेंज करवानी। अब हम पहुंच गए हैं चौधरी सीप की दुकान पर। अरे इसके पापा जाने ना बैठे हो, बैठे हैं हम, लोग इसके वीडियो नहीं बना सकते इसके पापा जाने के समय, तो बैटरी शैटरी का पूछते हैं फिर चेंज करवा के फिर देखते हैं क्या। और सीप भाई ये हमारे मोहतरम अजीज व वकार सीप भाई हैं, हम व्लॉग चढ़ी जा रहे हैं खोल के वेखो मेनू स्पेशल एडिशन वी यूपीएस चौके ला दो। अभी इसमें ये भी नहीं पता कि बैटरी कौन सी लगी है, इसे इतने चाबी ये चेक कर ले भाई, हम माफ़ी दे दे मैंने, ये चौधरी ये कुछ भी कर सकता है। पहले नालों बेहतर ही है, अद्धे घंटे तो बाद ले भाई की अद्धा घंटा मैं 15 मिनट तो बना फिर अद्धा घंटा भाई काट कुट के 15 मिनट वी है ना तो है ये ढे को धोखा नहीं मिलता इनके पास अगर आ जाए तो ओरिजिनल बेच दी कंपनी ने खत्म आ देख लो जे सही हो जाए तू तेन भी मशहूर करना बना ये जा रहा है बैटरी का पता करके आता है फिर देख सेहत वेलो तो काम वेलो रही आप बहने दे आपको आराम कर लेंगे। तो यार नई बैटरी नहीं मिली, चौधरी सीम ने हमें जुगाड़ लगा के दिए कोई बैटरी शेटरी दोबारा चार्ज की है, अब जो है वो बंद होगी फिर ये चली कोई बात नहीं। अब चलते हैं कुछ खाने पीने और खा पी के फिर चलते हैं कपड़े वापस लेते हैं जो दिए हुए थे उसके बाद इसने अब थोड़ी सी रेस दी है तो वो ना थोड़ा सही हो गया देख ये यार यहाँ के सबसे ज्यादा मशहूर जो है वो टेस्टी गोलगप्पे जिनको कहा जाता है चौधरी सीप ने इंट्रोड्यूस कराया था इतने इतने तलक किया था कि गोलगप्पे ना तलक बना लिया कभी समोसे ने तलक बना लिया इन्ना कि तलक होता साडा इंज कर गोलगप्पे आ गए यार गोलगप्पे आ गए ने इन्हों मूँह देख लो लेकिन मैं गोलगप्पे खाते हुए जो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता क्योंकि फिर मुझे नहीं मिलेंगे चौधरी साहब निशाना ला के बैठे ने किड़े किड़े में चुकने आफ्टर 1 सेकेंड लेटर मैं क्या सी ब्लॉग बनाते हुए मैं नहीं गोलगप्पे खा सकता क्योंकि इन्होंने मैंने देनी कुछ है नहीं है चौधरी सारे गोलगप्पे चौके ला गए आप चौधरी साहब कह रहे कि मिल्क शेक पहेंगे बड़ा जालम ऐ दे आंटी भेड़ ने हो गया स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गया नहीं यार उन मिल्क शेक पीने आए यहाँ पे वो सबसे अच्छे चाचू के पास ही लेके आया
इन्हें मेरा पी के रख दिता है अपना मैं देता है हूँ तू मेरे ख्याल उच्च ज्यादा सी दौरे पैन लग पे यार जल्दी कर कुछ भी हो सकता है यार यहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगे वो दोबारा पी लेनी चाहिए उसी टाइम थोड़ी यहाँ पैक करा लो तो यहाँ पी लो घूम तो मेरी गल याद रखो करांगे ना फिर मैं चपेड़ा भी मारूंगा यार आंधी आ गई है मिट्टी मिट्टी हो रहे हैं मिट्टी से जूस का टेस्ट और ज़्यादा हो जाता है क्यों सीव साहब इधर ही ना अब अंकल वी वेटेड फॉर 1000 मेरा क्योंकि मैं ते दानियाल ने ते उमेर उदो कट्ठे बनाए थे ना चैनल से ते ओ यार कपड़े छपड़े ले लिए तो तुझे सी भाई हमारे जो है ड्राइविंग कर रहे हैं सर जी का ते क्या है भाई यार अल्लाह ही यार करे ये मैंने आपकी सी है ना पीछे से ए बंदे बंदे रोड भी लग पे ने ते जो तेरी सी थी ड्राइविंग से अल्लाह माफ करे इधर पीछे अल्लाह ला करके बैठा एक बार तदार हां एक बार तो तार है कंजर बंदा है तेरे पीछे दोबारा भेज देंगे ओए 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 देखा मैं कहा सज्जे में ना एक कपड़े ने सिर लैन लगा जे बेचारे छोटे से बच्चे दा ठीक सी भाई जा रहे हैं हम सी भाई को छोड़ के ये दुनिया दीवानी मैंने ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा यार बंदा ना पिछला ड्राइवर अपना हाथ हुआ मोटरसाइकिल आता है नहीं इन्हें अपन ना रखने जब मोटरसाइकिल के ब्लॉग बनाना एक क्लच ना पे करे काम गियर लाए करा तो सीधी साइड से पा लो हूं सीधी साइड से पाने ताजी है जगह आ जाए ना यहां से जाएगी ये तो टार छिले जाएंगे अब चलते हैं वो आगे एक बड़ा जालिम पंप आ रहा है पेट्रोल पंप फिर घर जाना है सही आ रहे हैं सही जा रहे हैं अच्छा पेट्रोल शेट्रोल फुल हो गया डलवा ली है आप बस इधर घर जाना मैं शाही हूँ इकबाल का मैं घर है धरती मैं शाही दिखा फरमान ये जरूर सुनना ये थोड़ा जहा मैं बकरा अपलोड कराएगा इतना इतना सीने पा लेना वीडियो बना के अपलोड कर दिए लो अब किसी वाला पहुंच गए आते आते ये हो गया आते आते ये हो गया बहुत बुरी होगी इस टाइम तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए